हाथ नहीं रखे मुझे सुनो बस अब तो रोकेंगे तो यहाँ पर आपको बताते चलेंगे रिसेंटली वसीम बदामी के बारे में इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। जैसा कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि वसीम बदामी काफी जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए थे। इस वाकये की डिटेल्स आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि पिछले काफी साल से वसीम बदामी एयरवाई डिजिटल पर रमजान ट्रांसमिशन को होस्ट करते हैं, और आज 17 रमजान को ट्रांसमिशन होस्ट करते हुए वसीम बदामी के बाजू पर काफी बुरी तरह से चाकू लग गया, जिसके बाद इन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और जराये के मुताबिक ये बताया जाता है कि इनके बाजू पर 5 स्टिचेस लगे हैं, लेकिन वसीम बदामी ने काफी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने रोजे को बरकरार रखा और स्टिचेस के लगने के फौरन बाद इन्होंने दोबारा से रमजान ट्रांसमिशन को रीज्वाइन कर लिया। फैंस वसीम बदामी के बारे में काफी ज्यादा परेशान थे, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वसीम बदामी को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, ताकि अल्लाह ताला इन्हें जल्दी से सेहतयाब करे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।